सेंट एंड्रयूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने सप्ताह समारोह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को शील्ड मेडल व पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज शहर के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि समुचित विकास या उपलब्धि के लिए शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करते रहना चाहिए। आप यह महसूस करें कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और जब इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको अपने व्यक्तित्व के विकास और समाज की उन्नति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए, तभी आपके शिक्षित होने की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में समय का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। जीवन में पीछे मुड़कर जब भी देखेंगे तो कहेंगे कि कॉलेज का समय स्वर्णिम था। शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, तभी आप अपना तथा अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रथम महिला अर्चना लाल, प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल, मीडिया प्रभारी सुशील राय सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, Oh,
उनके साथ मैं चाहता हूँ कि all the teachers, students, and everybody present here. मुझे जैसा बताया गया ये कॉलेज 1899 का बना हुआ है, 122 साल पूरे कर चुका है, 123 साल में जा रहा है। जितना ही पुराना इंस्टीट्यूट होता है वो मौका मिला, जो फाउंडेशन वीक का सेलिब्रेशन है, साल भर की जो एक्टिविटीज है, जो बच्चों का रिकॉग्निशन है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है, आपको स्कूल ऑफ द टीचर्स अपीयर टू बी वेरी पॉपुलर एमंग द स्टूडेंट्स, वो सब कुछ इस कॉलेज में मुझे देखने को मिला। यहाँ पर जिन बच्चों ने आकर के कुछ अपने कुछ लोगों ने गाना गाया, कुछ लोगों ने मोनो एक्ट किया, और भी बहुत सी एक्टिविटीज हुई होंगी जो शायद समय की कमी के कारण लोग दिखा नहीं पाए, वो सब देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, करीब 40 साल पहले के, जब मैं भी कभी इसी तरह के कॉलेज में किसी एक बहुत पुराने इंस्टीट्यूट से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। वो इंस्टीट्यूट शायद आपके इंस्टीट्यूट से भी ज़्यादा पुराना है, 1847 का बना हुआ इंस्टीट्यूट था, इट इज़ कॉल्ड रुड़की यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। उस जमाने में भी हम लोग यूथ फेस्टिवल मनाया करते थे, कॉलेज में मनाया करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट IITs से लोग आया करते थे और करीब वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन हुआ करता था। उस समय की जो एनर्जी थी, जो यंगस्टर्स में एनर्जी होती है, द सेम एनर्जी आई एम फीलिंग ऑल अराउंड हियर। एंड मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको इस की बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने ये ट्रेडिशंस, ये एनर्जी लेवल, ये कॉम्पिटिशन मेंटेन कर रखी है। बच्चों में तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यही वो समय है जब आप अपने करियर को बना सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। This is the time when you can start flying in the साल हम लोग इस तरह का वार्षिक पारितोषिक वितरण का समारोह करते हैं, एनुअल अवार्ड फंक्शन, और जिसमें किसी न किसी डिग्निटरीज़ को बुलाते हैं जिनके माध्यम से हम लोग बच्चों को प्राइजेज और अवार्ड्स दिलवाते हैं। हमारा मानना ये है कि थोड़ी भी पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में इसी बहाने जाए, उनके सामने ऐसे रोल मॉडल को बुलाएं जिसको देख करके बच्चे कुछ सीख सकें, कुछ अनुसरण और अनुकरण करें उनका। तो आज एनी रेलवे के GM श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में थे, उनके हाथों हमने बच्चों को प्राइजेस दिलवाए। कोविड की वजह से, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई और बच्चे टॉप नहीं कर पाए, तो इसलिए टॉपर्स के अलावा जितने प्राइजेस थे, चाहे बेस्ट NCC कैडेट का, बेस्ट मेल फीमेल दोनों, बेस्ट NSS रेंजर और रोवर का, हर तरह के जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स के जो चैम्पियंस थे बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों को, इस तरह के जितने प्राइजेस थे सब प्राइजेस तो दिए गए, एकेडमिक्स को छोड़ करके इनको सारे प्राइजेस आज दिए गए। फिर बच्चों को भविष्य के लिए आगे क्या करना? बच्चों को भविष्य अपना खुद बनाना है, वो तो उनसे मैंने बताया ही अपने उद्बोधन में, और यही कहा कि आपके साथ, आपके पास बस यही 3 साल हैं, इन 3 सालों में अगर आपने मेहनत कर लिया और कड़ी मेहनत करके अगर कोई मुकाम हासिल कर लिया तो ज़िंदगी भर आराम से गुजरेगी आपकी, और अगर ये 3 साल आपने खेल कूद करके हंसी मजाक में सीरियसली नहीं लिया तो ज़िंदगी भर आपको रगड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन 3 सालों का जो आपका कॉलेज पीरियड है, इसका बेस्ट इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम को, किसी न किसी कॉम्पिटिशन को ज़रूर क्वालिफाई कर लें।
बच्चों के लिए यही वो समय है जब बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे अपने कैरियर को आगे बिल्डअप करेंगे, वही सब उनको कुछ बताया, समझाया, सिखाया और जो बच्चों की एनर्जी है वो हमने भी कुछ प्राप्त किया। सर आपके द्वारा कुछ बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है? हाँ, वो बच्चे जो अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं फाउंडेशन वीक के तहत, तो उन एक्टिविटीज़ में जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आए थे तो उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया।